मन चंचल है, मन वायु से भी तीव्र है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये तीनों वाक्यांश आपने अवश्य सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन चंचल क्यों है? अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मन चंचल क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मन क्या है। आपकी ही कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय यानी कॉम्बिनेशन को मन कहते हैं। अब यहां आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के आधार पर मन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो अच्छा मन और दूसरा बुरा मन। अच्छा मन वह है जो आत्मा के अनुकूल काम करे, जो हमें उत्थान और प्रगति की ओर ले जाए। बुरा मन वह है जो आत्मा के प्रतिकूल काम करे और जो हमें पतन की ओर ले जाए। वास्तव में दोनों ही मन आत्मा की शक्ति से चलते हैं, किंतु अच्छे मन पर आत्मा का पूर्ण आधिपत्य होता है और बुरे मन पर आत्मा का आंशिक आधिपत्य होता है, या यूं कह लीजिए कि कोई आधिपत्य नहीं होता। अब आप मन को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं चंचलता की। चंचलता जल का गुण है। जल के इसी गुण से तुलना करके मन को चंचल कहा गया है। अगर सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो मन और जल लगभग समानांतर यानी पैरेलल है। मेरे कहने का मतलब है कि हम जल के गुण, कर्म और स्वभाव को समझकर काफी हद तक मन को समझ सकते हैं। पर कैसे, आइए देखते हैं मन चंचल क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जानते हो। इसे समझने के लिए अपना प्रश्न बदलकर स्वयं से पूछिए कि जल चंचल क्यों होता है। जल चंचल तब होता है जब वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो। अगर जल को स्थिर करना है तो आपको उसे सीमा में बांधना पड़ेगा। यदि उसे ऊपर की ओर चढ़ाना है तो उसे सीमित दायरे से प्रवाहित करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसे नीचे की ओर प्रवाहित करना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, केवल छोड़ दीजिए। ठीक ऐसे ही मन चंचल तब होता है जब वो पतन की ओर अग्रसर हो। यदि मन को स्थिर करना है, निश्चल करना है, तो उसे सीमित दायरे में रखना होगा। यदि मन को उत्थान की ओर अग्रसर करना है तो सीमित दायरे से अभीष्ट लक्ष्य अर्थात अपने इष्ट की ओर लगाना होगा। जिस तरह जल विभिन्न नदी और नहरों से होते हुए जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक स्थिर नहीं होता, उसी तरह मन भी जब तक इंद्रियों रूपी नदी और नहरों में भटक रहा है तब तक स्थिर नहीं हो सकता। किंतु जब वो आनंद के सागर परमानंद में मिल जाता है तो पूर्णतः स्थिर होकर समाधि में चला जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष और जीवन मुक्ति कहते हैं। मन चंचल क्यों होता है, इसे एक कहानी से समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारा चैनल जीवंत हो उठता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आइए कहानी की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार एक प्राचीन गुरुकुल में एक नया शिष्य दाखिल हुआ। गुरुकुल में आने वाले सभी शिष्यों के लिए एक सख्त नियम था कि वे प्रतिदिन संध्या उपासना में भाग लें। संध्या उपासना का एक मुख्य तत्व था ध्यान, जो मन को स्थिर और एकाग्र करने के उद्देश्य से किया जाता था। लेकिन इस नए शिष्य को ध्यान में बैठना बिल्कुल भी नहीं भाता था। कई दिनों तक वो सिर्फ नियम का पालन करने के लिए अनमने ढंग से आंखें बंद कर बैठा रहा। उसके मन में विचारों का मेला सा लगा रहता और ध्यान का अर्थ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे उसके मन में खीज और असंतोष बढ़ने लगे। एक दिन वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ और अपने गुरुदेव के पास जा पहुंचा। उसके चेहरे पर स्पष्ट झुंझलाहट और असमंजस झलक रहा था। वो अपने मन की बात खुलकर कहना चाहता था। गुरुदेव को प्रणाम कर उसने सीधे सवाल किया, गुरुदेव, ये संध्या उपासना और ध्यान की आवश्यकता आखिर है ही क्यों? मुझे ये सब व्यर्थ लगता है। मन को साधने का क्या मतलब है जब मेरा ध्यान इसमें बिल्कुल नहीं लगता? गुरुदेव ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, ध्यान मन को साधने के लिए अनिवार्य है। जब तक मन को साधा नहीं जाता
जीवन में सच्ची एकाग्रता और शांति की अनुभूति असंभव है। चंचल मन को वश में करना ही जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिष्य को अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने और गहरे प्रश्न पूछे, गुरुदेव मन को साधना इतना जरूरी क्यों है? अगर मेरा मन ध्यान में नहीं लगता तो क्या इसे न करना ही उचित नहीं होगा? और वैसे भी मन इतना चंचल क्यों है? गुरुदेव उसके उत्सुक प्रश्नों पर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सवाल को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मन चंचल इसलिए है क्योंकि यह स्वभाव से अशांत और अस्थिर है। इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ये ठहर सके। सोचो, अगर किसी व्यक्ति के पास स्थायी निवास स्थान न हो तो उसका जीवन कैसा होगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव ऐसा व्यक्ति इधर उधर भटकता फिरेगा, उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि उसे रहने का कोई ठिकाना न मिल जाए। गुरुदेव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही कारण है कि मन भी इधर उधर भटकता रहता है। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता है। इसे शांति और ठहराव की तलाश है, लेकिन इसे वो स्थायी ठिकाना कभी मिल ही नहीं पाता। मन को एक ऐसा स्थान चाहिए जहां उसे अनंत और असीम आनंद की अनुभूति हो, जहां पहुंचकर इसे किसी और चीज की जरूरत महसूस ना हो। और वो स्थान, वो ठिकाना केवल एक ही है, परम आनंद, जिसे हम आत्मा का अनुभव, ब्रह्म की अनुभूति कहते हैं। ये मन का अंतिम और सर्वोच्च ठिकाना है। शिष्य अब मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। गुरुदेव की बातों ने उसकी समझ में एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी चंचलता और अस्थिरता का कारण स्वयं उसका अशांत मन था। इसीलिए ध्यान का अभ्यास आवश्यक था ताकि उसका मन स्थिर हो सके और उसे उस शांति का अनुभव हो जो केवल ध्यान से ही प्राप्त की जा सकती है। गुरुदेव ने अंत में कहा, ध्यान उस यात्रा का मार्ग है जो हमें हमारे असली स्वरूप आत्मा की शांति तक पहुंचाती है। जब मन को स्थिरता मिल जाती है तब जीवन में सभी भटकाव समाप्त हो जाते हैं और सच्ची शांति का अनुभव होता है। शिष्य ने सिर झुकाकर अपने गुरुदेव के प्रति आभार प्रकट किया। अब वो जान गया था कि संध्या उपासना और ध्यान केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की ओर बढ़ने का एक पवित्र मार्ग है। वो पूरी श्रद्धा और समझ के साथ ध्यान में बैठने के लिए तैयार हो गया क्योंकि अब उसे इसका अर्थ समझ में आ गया था। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।